भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री का साथ नहीं दे रहे, वह जो आतंकवाद का साथ दे रहे, वो भारत का मुसलमान नहीं हो सकता। भारत के लोग कांग्रेस ही है। 2024 का चुनाव करीब है, इन्होंने एक ये फंडा बना लिया क्योंकि ये बहुत बड़े मदारी है। इन्हें तो कहीं सर्कस में काम करना चाहिए, राहुल गांधी को और केजरीवाल जी को। जो भी हमास का समर्थन कर रहा है वो मेरे लिए देश का गद्दार है, वो आतंकवादियों का समर्थक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कान खोल करके सुन लो, ध्यान से सुन लो, जो भारत को करना नमन छोड़ दे उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे और मजहब प्यारा है जिसे देश नहीं इस धरती में होना दफन छोड़ दे। अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई भी देश डटकर खड़ा हो रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है, और आतंकवादियों की एक दवाई सिर्फ और सिर्फ ठुकाई, क्योंकि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, इनकी ठुकाई होनी चाहिए कंटिन्यू। बहुत सही कर रहा है इजराइल। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं ना, पहली बात तो आपके अंदर जमीर मर गया है, और जिसका जमीर मर जाता है उसको फिर क्या जिंदा रहना। सर आप लोगों के अंदर का जमीर मर चुका है। आप कहते हो आप मुसलमान हैं, मुसलमान की परिभाषा पढ़िए, मुसल्लम ईमान, जिसका कभी ईमान न डगमगाए वो मुसलमान होता है। क्या बोलेंगे इजराइल और हमास के बीच में जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, आपका समर्थन किसकी हो रहा है, हमास की ओर या इजराइल की? मेरा देखो, जहाँ पे मेरे भारत के प्रधानमंत्री है और भारत के मुसलमान को वहीं समर्थन देना चाहिए जहाँ पर हमारे देश का प्रधानमंत्री है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। तो जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री का साथ नहीं दे रहे, वह जो आतंकवाद का साथ दे रहे, वो भारत का मुसलमान नहीं हो सकता। पत्रकार साहब महोदय, यही कि भारत के कुछ मुसलमान है जो कहते हैं कि इजराइल ने बहुत गलत किया है, मुस्लिमों के साथ गलत हुआ है, हम लोग आतंकी यानी कि हमास संगठन का साथ देंगे। देखिए इजराइल ने कुछ गलत नहीं किया भारत के लिए, भारत के मुसलमान के लिए, लेकिन ये कुछ भारत के लोग कांग्रेस ही है। 2024 का चुनाव करीब है, इन्होंने एक ये फंडा बना लिया क्योंकि ये बहुत बड़े मदारी है। इन्हें तो कहीं सर्कस में काम करना चाहिए, राहुल गांधी को और केजरीवाल जी को, ये मदारी है बहुत बड़े। तो जो भी हमास का समर्थन कर रहा है वो मेरे लिए देश का गद्दार है, वो आतंकवादियों का समर्थक है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो जितने भी आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान से चलती हैं, उन सभी का वो हिस्सेदार है। अगर जो भी हमास का समर्थन करता है मेरे लिए, वो हाफिज सईद का समर्थन करता है, मेरे लिए लश्कर ए तैयबा का समर्थन करता है। एक बात बताइए, एक आतंकवादी संगठन जो कि किसी देश के जनता को मार रहा है, परेशान कर रहा है, एक प्रेमी जोड़े को नौ नौ गोलियां मार दी गई, एक महिला के पेट को काट करके उसमें से बच्चा निकाला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और आज कुछ लोग खड़े होकर के उनके समर्थन में उतर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कान खोल करके सुन लो, ध्यान से सुन लो, जो भारत को करना नमन छोड़ दे उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे और मजहब प्यारा है जिसे देश नहीं इस धरती में होना दफन छोड़ दे। हम आतंकवादी, मैं उनको कह रहा हूँ जो इस देश में रहकर इस देश का खा करके और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। भाई साहब, क्या आतंकवाद अब इतना गिर जाओगे आप, सिर्फ और सिर्फ बिरादरी और जाति और मजहब में इतना गिर जाओगे कि आप आतंकवाद का समर्थन करने लगोगे? फिर तो इस तरह से आप लश्कर ए तैयबा को भी जायज बता दोगे, फिर तो इस तरह से बुरहान मानी को भी जायज बता दोगे, फिर तो इस तरीके से जाकिर नाइक को भी जायज बता दोगे, फिर तो इस तरीके से आप सईद को भी जायज। भारत के ही कुछ लोग कह रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि इजराइल ने बहुत गलत किया है वहाँ पे फिलिस्तीनियों के साथ। देखिए क्या गलत करा है, गलत तो उन्होंने करा है जिस दिन इजराइल में लोग, शनिवार के दिन वहाँ पर वो लोग इतने धार्मिक लोग हैं कि वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने ईष्ट अपने आराध्य की पूजा करते हैं। इस बात का फायदा उठा करके इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर आप देखिए 5000 से ज़्यादा मिसाइलें दाग दी, ऊपर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। क्या किसी देश को हक नहीं है? क्या अगर ऐसी घटना भारत में होती है तो क्या भारत को हक नहीं है कि वो जवाबी कार्रवाई करे? अगर आतंकवाद के खिलाफ कोई भी देश डटकर खड़ा हो रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है, और आतंकवादियों की एक दवाई सिर्फ और सिर्फ ठुकाई, क्योंकि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, इनकी ठुकाई होनी चाहिए कंटिन्यू। बहुत सही कर रहा है इजराइल। अभी आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ का जो इनका चीफ था, सबसे मेन चीफ था, उसका घर उड़ा दिया, वो मारा गया। बहुत बड़ी वो, मैं दिल से खुश हूँ, तुम्हें किलस रहो तो किलसते रहो, तुम्हें मिर्ची लगती है तो लगती रहे। और मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, आज की डेट में जो इजराइल काम कर रहा है ना, इजराइल अब कैंसर को ख़त्म करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये आज से नहीं है। भारत के युवा है तो आप इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हैं? सवाल इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि बात भारत की नहीं है, बात इजराइल की नहीं है, बात है आतंकवाद की। भारत डेली
आए दिन, चाहे अभी 5 दिन 10 दिन पहले चलिए अनंतनाग में 4 जवानों के साथ क्या हुआ हमारे, उनकी पर्सनल लड़ाई थी क्या, या पाकिस्तान से उन्होंने कुछ जाकर के उनका पर्सनल लेन देन था? हमारे जितने भी बॉर्डर पे जवान खड़े होते हैं कोई पर्सनल लड़ाई लड़ने जाता है कि तू मेरी उनसे पाकिस्तान से कोई पर्सनल लड़ाई है? लेकिन अगर आतंकवादी घटना में मेरे अगर सैनिक, मेरे देश के शहीद, मेरे देश के वीर जवान मारे जाते हैं तो मैं पाकिस्तान का हर मन से बायकॉट करूंगा, मैं आतंकवाद का हर मन से बायकॉट करूंगा, आज वो इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन उन जो सैनिक जो शहीद हुए उनके जज्बों को तो सलाम नहीं किया जाता है, कुछ पार्टी के कुछ लोग हैं जो फिलिस्तीन के आतंकी संगठन के सलाम ठोकते और उनका समर्थन कर रहे ट्वीट कर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं ना, पहली बात तो आपके अंदर जमीर मर गया है, और जिसका जमीर मर जाता है उसको फिर क्या जिंदा रहना सर, आप लोगों के अंदर का जमीर मर चुका है। आप कहते हो आप मुसलमान है, मुसलमान की परिभाषा पढ़िए, मुसल्लम ईमान, जिसका कभी ईमान ने डगमगाए वो मुसलमान होता है। आप इतना गिर जाएंगे सिर्फ और मजहब और बिरादरी की बात के लिए, आप आतंकवाद को भी सही ठहरा देंगे। आज की डेट में इजराइल एक बहुत भयानक लड़ाई लड़ रहा है आतंकवाद के खिलाफ, उसमें भारत के 140 करोड़ देशवासी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और जो भारत में विरोध कर रहे हैं इजराइल का, तो सुन लो गद्दारों, तो मैं बता देता हूँ असली देशभक्ति क्या होती है। इजराइल ने जिस दिन पहले दिन हमला इजराइल पे हुआ, उस दिन वहाँ की एक संस्था ने पहले दिन जैसे ही हमला हुआ तुरंत ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, और जाकर वो लोग ब्लड डोनेट करने लग गए, किसके लिए, अपने ऑफिसरों के लिए। जितने भी वहाँ पर नौजवान थे सारे एकत्रित हो गए, और सेना के जिस तरीके से सहयोग पहुँचा सकते हैं उस तरीके से सहयोग पहुँचा, और ये जंग तो वहाँ जा रही है, फिर यहाँ की राजनीति में क्यों सियासी बवाल मच रहा है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए मैं बता देता हूँ, जो लोग इसका इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं हमास के ऊपर, अगर किसी भी देश में, मैं सीधी एक बात जानता हूँ, अगर आप आतंकवाद का विरोध समर्थन करते हो तो आप भी मेरे लिए जाकिर नाइक को हाफिज सईद हो, या फिर आप क्लियर कट आकर के बोलिए ये एमयू वाले कौन है भैया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले ये कौन है, आपका क्या लगता है हमास से क्या रिश्ता है इनका, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, हमने भी देखा है स्टार प्लस पे पुराना हो गया वो, अब दूसरा चैनल लगाओ, अब सावधान इंडिया आ रहा है, डटकर डर के नहीं डटके जुर्म के खिलाफ जंग बोलना सीखो। ये एमयू वाले उनको क्या मतलब है भैया, मतलब सीधी वे बात है, फिर तो ये लोग अगर कोई बलात्कारी है, पता है ये बलात्कारी है, फिर भी अगर मैं सिर्फ उसका इसलिए साथ दे दूं कि वो हिंदू धर्म का है, फिर मेरे में और बाकियों में फ़र्क क्या रह गया, फिर काहे को आप कहते हो मुसल्लम ईमान काहे का मुसल्लम ईमान? हमास कहते हैं कि वो लोग जो है कि फिर से लड़ाई जारी रखेंगे और किसी को छोड़ेंगे। देखिए मैडम मैं आपको बता देता हूँ, इजराइल को ना मीठी मीठी टॉनिक नहीं देता, इजराइल सीधा सटीक वार करता और कैंसर जैसी बीमारियों को काट करके फेंक देता है, तो इजराइल अब वो काम कर रहा है। आप एक बात बताइए, अभी इनकी हमास वालों की कंटिन्यू ठुकाई चल रही है, अब इनको दर्द हो रहा है, तो इनका एक देश है सहयोग में आ रहा तुर्की, तुर्की के लोग आकर के क्या कह रहे हैं कि हमास के जंग में हमारे सैनिकों को उतारना चाहिए, लेकिन इजराइल ने क्लियर कट पूरे विश्व को मैसेज दे दिया है भैया हम रुकने वाले नहीं है। वो डायलॉग सुना था ना वो वाला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तुमको क्या लगता था हम वापस नहीं लौटेंगे, देखो हम आ गए। तो इजराइल आज वो वाला काम कर रहा है कि पूरा इनको निचोड़ निचोड़ के मार रहा है, ये सुबह हेलो करते हैं इतनी देर में वहाँ बम फोड़ देता है इजराइल, जैसे ये 5 बंदे इकट्ठे करते हैं तुरंत वहाँ पर बम फोड़ देता है, इनका कनेक्शन तोड़ दिया उन्होंने। बेगुनाह मारे जा रहे हैं ना, वो बड़ी बात है ना। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी शायरी कही है उन्होंने कि जब लगेगी आग तो आएंगे कई मकान उसके जद में, इस गली में केवल अकेले मेरा मकान थोड़ी है। तो भाई साहब इस बात को सुनो, इस बात को समझो, भारत के देशवासियों और भारत के सच्चे मुसलमानों इस बात को समझो, 140 करोड़ देशवासियों इस बात को समझो, आतंकवाद सबके लिए ही गलत है। आप सिर्फ जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल कलो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। भैया जाति के आधार पर धर्म के आधार पर मत बटो, गलत को गलत सही को सही कहना सीखो। ये एमयू वाले ये जितना मर्जी हम उसके साथ हैं उसके साथ हैं, अबे काय का हमास के साथ हो, कोई ठोक देगा वहां पर यूपी में धरना पर ना करोगे? इजराइल के साथ है, मैं बिल्कुल इजराइल नहीं, जितने भी देश आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ेंगे अभिषेक ठाकुर और इस देश का एक सच्चा नागरिक उसके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि आतंकवाद को अगर बहुत अच्छी तरीके से कोई पहचानता तो वो मेरा देश भारत है, जिसने कि जब से आज़ाद हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है, और हमारे डेली आए दिन जवान शहीद होते हैं। लगातार भारत के जो युवा हैं वो लोग इसराइल के समर्थन में आ गए हैं, हालांकि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाके मैं ज़रूर बताएगा, आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।